हाय गाइस, कैसे आप सभी। आपके अपने चैनल लाहुल रियल व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर एंड सपोर्टर, आप सभी के लिए मैं गॉड से विश कर रहा हूँ कि आप सभी की जो प्रॉब्लम हो गॉड जल्द से जल्द कंप्लीट करे और उनको जल्द से जल्द रिमूव करे और आप सभी लोग फुली वे पे आइए और आपकी जो जो ड्रीम हो उसको गॉड अचीवमेंट करवाने में आप सभी की हेल्प करे। एंड गाइज, तबीयत तो थोड़ा मतलब अस्वस्थ चल ही रही है, फिर भी मतलब आप सभी के साथ मैं वीडियो कंटिन्यू शेयर करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ, आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। और गाइज, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में इस टाइम फंसा हुआ हूँ और काफ़ी लाइफ में मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बन रहे हैं। और ये भी क्या इस कहते हैं कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है, मतलब संघर्ष। अगर संघर्ष ही नहीं रहेगा तो वो लाइफ का जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे लाइफ में संघर्ष कुछ ज़्यादा ही, शायद ऐसा मुझे लगता है, स्ट्रगल है वो तो ऊपर वाला जाने, क्योंकि लोगों को अपना खुद का ही सबसे बड़ा कष्ट, अपना सबसे ज़्यादा कष्ट अपना ही लगता है बड़ा। दूसरों का तो गाइज लोगों को थोड़ा मतलब कम ही लगेगा। तो फिलहाल जो भी है उसको तो लोग अपने से ही अपने में मतलब खुश हैं आज के टाइम में। और बहुत से गाइज हैं मेरे अपने जो मुझे मतलब अपनेपन होने का हमेशा से एहसास दिलवाते रहते, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि भगवान करे ऐसे लोग लाइफ में बहुत ही कम मिलते हैं। और जो भी है वो बहुत ही मतलब नेक इंसान है। और मतलब मुझे गाइस पहली बार लाइफ में ऐसा फील हुआ कि इंसानियत भी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा मतलब करना, हेल्प करना, किसी प्रकार से कोई हेल्प मतलब उसकी ना भी करो। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी किसी की हेल्प करना आज के टाइम में, ये मतलब ये भाग दौड़ भरी लाइफ में। और यहाँ लोग गाइस अपने लोग ही अपने नहीं होते हैं, पर कोई कोई इंसान गाइस ऐसा लाइफ में मिल जाता है कि वास्तव में अगर उसके जैसे कोई इंसान हो लाइफ में तो पूरी ज़िंदगी ही मतलब आसान हो जाएगी। जितने ज़्यादा ज़्यादा टफ है पर मतलब उससे फिर काटना थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी वे में, जिसे हम लोग कह सकते हैं, हो जाएगा। और थैंक्स फॉर गॉड कि इस मामले में मेरे नसीब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि मुझे अभी तक तो गाइस ज़्यादा कोई सपोर्टर नहीं था 2-3 साल पहले तक। अब मतलब अपने आप में ऐसा फील होता है कि कोई है लाइफ में कि जो अपना मुझे मतलब समझता है और अपने प्राणों से ज़्यादा मतलब मेरे लिए करने के लिए सोचता है। थैंक्स फॉर गॉड, मतलब उसकी जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए वो उतनी ज़्यादा कम है। और सबसे पहले तो मैं आभार अपने माता पिता को करूंगा क्योंकि उन्होंने मतलब इस दुनिया में लाने में मुझे मतलब अपना सहयोग दिया। उसके बाद ही मैं दुनिया में आया। फिर मेरे माता पिता और गुरुजनों के बाद गाइज कुछ लोग होते हैं जो मतलब लाइफ में आपको मतलब आगे की मतलब अग्रसर करते हैं कि आपका जो रास्ता है वो काफ़ी मतलब आगे तक जाए। तो मेरे लाइफ में है गाइस कई लोग, पर मैं एक लोगों को मतलब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने मुझे सख्त हिदायत दी हुई है कि मेरा नाम मत लेना कभी भी अपने वीडियो में या फिर कहीं भी, तो इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। और गाइस सबसे बड़ी बात है जिस चैनल में मेरा ये वीडियो जाता है यानी राहुल रियल व्लॉग वाला, जिस शख्स के बारे में मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, ताजुब की बात है कि उसे मेरे चैनल के बारे में पता तक नहीं है कि मैंने ये चैनल क्रिएट किया हुआ है और चैनल क्रिएट किया हुआ है और मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। मुझे भी लगता है गाइस क्या मतलब है किसी के बारे में मतलब ज़्यादा बताओ कुछ, या लाइफ में कुछ तो रखा है नहीं है
जैसे भी कैसे कट रही है लाइफ, तो कभी लगता है कुछ थोड़ा सा अचीवमेंट हो जाए तो मतलब शख्स के उस शख्स को उस बारे में बताओ तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अगर आप लोगों का ही ऐसे ही प्यार एवं सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन ज़रूर बताऊंगा। और वो भी वो शायद गाइस वो मेरा फर्स्ट डे वो होगा कि जिस दिन अगर मेरा यूट्यूब पे ये जो राहुल रियल व्लॉग वाला चैनल है, आप लोग थोड़ी हेल्प करिए इस चैनल के, ताकि मेरा चैनल गाइस मोनोटाइज हो जाए। और जिस दिन मोनोटाइज हो जाएगा और मुझे अगर फर्स्ट अर्निंग मिलेगी अगर जो भी, तो इस चैनल का गाइस मैं कह रहा हूँ उसका पूरा पैसा मैं अगर जो भी मेरा आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइस 1 रुपये आए, 2 रुपये आए, 2,000 आए, 5,000 आए या फिर 100 रुपये आए, गाइस कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी मतलब धन राशि होगी वह मैं उसमें से उसका 50% तो मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जो 50% में गाइज मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ कि भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, उसमें का 25% मैं गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्योंकि गाइज भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने से कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो प्रसाद जो हम लोग चढ़ाते हैं वो रिटर्न में हम लोग खुद ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मुझे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग को मतलब अगर ऐसा ही मोटो रहा और मेरे ये चैनल भी ग्रो किया कभी, फिलहाल मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि मेरा चैनल ये ग्रो करेगा, लेकिन आप लोग हैं ऑडियंस हैं वो आप लोगों के हाथ में हैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, वो सब आप लोगों के हाथ में है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा करिएगा। फिर भी अगर ऐसा कभी होता है, इनकेस फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं 50% जो है मैं अपने उस शख्स को मतलब उसके खाते में मैं मतलब ट्रांसफ़र करूँगा कि ये तुम्हारी ही नसीहत का दिया हुआ है। और उसमें गाइस मुझे मतलब पहली बार मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जिस शख्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और उसको मैं कुछ रिफंड के टाइप में रिवॉर्ड टाइप के फिलहाल गाइस मुझे पता है कि उसको उस पैसे से कोई मतलब नहीं होगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन गाइस मुझे मेरी खुशी के लिए आप लोग ये काम ज़रूर करिए ताकि मैं उसको रिफ़ंड कर सकूं। और जो गाइस पहला पैसा आएगा उसका मैंने बता ही दिया है, 50% में करीब 10% का मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दूंगा और 40% मैं गरीबों को गाइस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कोई भी मतलब ज़रूरतमंद होगा। और ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गाइस गरीब ही हो, अगर जैसे कुछ बच्चे हैं स्टूडेंट हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनकी फ़ीस वगैरह में, गाइस मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते रहते हैं कि बताते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ये कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बहुत से गाइस एक्स वाई जेड लोगों के पास बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो वो 40% जो गाइस बचेगा वो 40% मैं किसी ऐसे शख्स पे खर्च कर दूंगा, और उसके बाद जो 50% मेरा बचेगा मैं वो अपने उस फ्रेंड के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। और उसके बाद जो गाइस सेकेंड मंथ से अगर आप लोगों ने मुझे ऐसे ही सहारा, जैसे अगर गाइस हो जाता है, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि यूट्यूब से कुछ अर्निंग होती है, तो अगर यूट्यूब से अगर मेरी अर्निंग होगी तो उसका जो सेकेंड मंथ का जो आएगा तो वो गाइस मैं अपने खुद पे पर्सनल पे खर्च करूँगा, और उस खर्च से मैं कुछ कपड़े लूँगा क्योंकि मेरे पास थोड़े कपड़े वपड़े भी ढंग से अभी नहीं हैं, और कैसे भी घसड़ पसड़ करके गाइस काम चल रहा है, सब ठीक है जैसा भी है लाइफ में सब कट रहा है, ज़्यादा कुछ लाइफ से कि मुझे ज़्यादा कोई गुजारिश नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा बड़ा मेरा ड्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी है छोटा मोटा अपना मेरा एम है। और मैं लगता हूँ कि सादा जीवन ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सादा जीवन रहे और गाइस उच्च विचार होने चाहिए लोगों के। तो विचार तो मेरे फ़िलहाल गाइस जहाँ तक है कि ठीक ही है, ऐसा मुझे तो जहाँ तक गाइस ये है ना, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड मानता हूँ कि मैं जिस फील्ड को मैं चूज़ किया हूँ इसमें गाइस लोगों की हेल्प तो हो ही जाएगी और साथ में विचार भी थोड़ा उच्ची वाले हो रख है ही हैं। तो जहाँ तक होगा गाइस चलेगा तो चलाऊंगा, और आप सभी को से बात करके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और
और बाकी सब गाइस कैसे भी करके आप लोगों के साथ मैं डेली रूटीन अब ब्लॉग शेयर करता ही रहूँगा अपना। तो चलिए मिलता हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप लोग से ही मुझे बहुत ही आशा है कि मैं लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूँगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे, और मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे ये ब्लॉग को कौन कौन वॉच करेगा, तो प्लीज़ मेरे प्यारे सभी व्यूअर्स, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ही सपोर्ट आप लोग करिए, ताकि मैं भी कुछ अपने लाइफ में कर सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू और फॉर वॉचिंग माई वीडियो।